थाईलैंड में एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है। तो मॉनेस्ट्री में क्या था कि एक बार क्या हुआ कि वहां के गवर्नमेंट को उसके अंदर से रोड निकालना था, हाईवे। तो वो मॉनेस्ट्री के पास गए और बोला कि यहां से आप सब हटाइए, हम यहां पे बहुत बड़ा रोड लाने वाले हैं। तो वहां पे एक बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति थी। तो उस दिन थोड़ा बारिश हो रहा था, तो भाई अभी गवर्नमेंट के सामने तो किसी के चलते नहीं, तो गवर्नमेंट वाले आए, वो क्रेन से उठाया, तो क्रेन से उठाया तो उसमें थोड़ा क्रैक था, नहीं चलो। तो वहां का एक जो बुद्ध बॉन्क था ना, वो भगवान की बहुत बड़ी तपस्या करता था, रोज साधना करता रहता था। उसने उनको रिक्वेस्ट किया कि एक दो दिन बारिश के रुक जाइए, बाद में आप हटा लीजिए। पर वो रात को आया, पर उसको वो चैन नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसको उसको लगा कि भगवान की बुद्ध की मूर्ति में कुछ ना कुछ तो क्रैक आया है। तो वो रात को अंदर गया तो देखा कि वो प्लास्टर जो ऊपर से नीचे गिर गया, तो अंदर से कोई लाइट आ रही है। तो जाके नजदीक से देखा तो मालूम पड़ा कि वो तो सोना है। तो उसने सब जितने भी जंत बॉन्क्स थे ना, सबको उठाया कि कुछ ना कुछ डिफरेंट है, सब आ गए। और फिर वो चैनी से ऊपर का तोड़ा गया, तो निकला तो अंदर से प्योर गोल्ड निकला। वो मालूम पड़ा कि 200-300 साल पहले बर्मा के आर्मी वाले वहां इन्वेड करते थे, जैसे अपने यहाँ कैसे अटैक्स होते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, मूर्ति के ऊपर मिट्टी और सीमेंट और जो उस जमाने में जो था वो पूरा का पूरा उसके ऊपर कवर कर दिया। और बाद में क्या हुआ कि वो जनरेशन आई ना, वो बताना भूल गई कि इसके अंदर सोने की मूर्ति है, और वो आर्मी अटैक करके भी चली गई कि वो पत्थर की मूर्ति पड़ी है तो पड़ी है। कई दिन तो वो ऐसे टीन टपरों में पड़ी रही, और जब बाद में निकाली है तो उसमें से कितना 5,500 किलो की मूर्ति निकली। तो ये है ना, ये अपने के लिए भी लेसन है, जब हम पैदा होते हैं ना तो हम सब सोने की मूर्ति की तरह पैदा होते हैं, और उसके बाद हम इसके ऊपर है ना इतना कचरा उठा डाल दे हैं कि अंदर का जो सोना निकल नहीं पाता है, और अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। और अच्छी सी अच्छी जो चीज है ना, आप अपनी जो स्टोरी, आप अपने आप को अच्छा काम करते रहिए, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप सब अंदर से भगवान बुद्ध की तरह हैं। हाँ।